हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, यहां पर मैं आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक बताने वाला हूं, तो जिसका नाम है यहां पर आपको देखने को सामने ही मिल रहा होगा, रेजोनेंस स्पेसिफिटी लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है, एक मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं कि कंपनी करती क्या है, इसके अंदर चलता क्या क्या है, और इसकी जो फंडामेंटल्स है उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँच सके और उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह लग सके। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। रेजोनेंस स्पेशलिटी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, जो कि केमिकल बनाती है, पायरिडीन, पिकोलीन, साइनोप्रिडीन और अदर डिविडेंट भी ये मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज़ काफ़ी सारी फील्ड्स में होता है। जो कंपनियां हैं दूसरी कंपनियों को ये सप्लाई किया करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स बनाने में इस केमिकल का यूज़ करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि किस तरह की ये केमिकल्स यहाँ पर जनरेट करते हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है, यानी कि पब्लिक यूज़ नहीं करती है, ये कंपनीज में, फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग्स में। तो यहाँ पर जो स्पेशली केमिकल है पायरिडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है मार्केट के लिए, जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, और ये सप्लाई भी ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में ही किया करते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बाहर से ही जनरेट हुआ करता है। तो यहाँ पर पायरिडीन केमिकल जो है वो कई तरह के केमिकल यहाँ पर जनरेट करता है, जैसे लिक्विडीन है, साइनोप्रिडीन है, निकोलीन है, कोलिडीन है, और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में भी इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो न्यूट्रिशन केमिकल्स भी ये बनाते हैं, फीड सप्लीमेंट में भी यूज़ होता है, तो उसके लिए भी केमिकल्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है। APIs और विटामिन में भी इस केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जो है वर्ल्ड की ओनली मैन्युफैक्चरर कंपनी है, यानी कि इस केमिकल को वर्ल्ड में इसके सिवा और कोई नहीं बनाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और ये कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि 25 सालों से ये कंपनी इस्टेब्लिश है, और जो भी इनके कस्टमर हैं उनसे रिलेशन काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, इनके सप्लायर भी वही के वही बने हुए हैं, कोई भी इनको छोड़ के नहीं भागा है। सही बात तो ये है कि इसके सिवा ये केमिकल और कोई बनाता ही नहीं है वर्ल्ड में, जिस वजह से इनके सप्लायर कस्टमर के साथ रिलेशन जितने पहले से बने हुए थे वही अब भी बने हुए हैं। अब बात करें कि इनका केमिकल किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी लगा के रखी है दूसरी कंपनी, जो एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, फार्मा और बल्क ड्रग्स बनाने वाली कंपनी है, डाइज बनाने वाली है, रबर केमिकल्स, यानी कि ये केमिकल दूसरे केमिकल्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और विटामिन्स और अदर काफ़ी प्रोडक्ट जो है उनमें इस प्रोडक्ट का, यानी कि इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं इसके रेवेन्यू पर कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर USA से काउंट किया जाता है, जो कि 46% रेवेन्यू जनरेट करता है USA, और यहाँ पर इंडिया में 30% जनरेट होता है। चाइना में भी इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिस वजह से 10% का रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट होता है, जर्मनी से 5% का, फ्रांस से 3% का, और बचा हुआ 6% अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस वजह से ये रेवेन्यू 6% वहाँ से आता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी लगी हुई है, वो भी तारापुर मुंबई में, जिसका एरिया देखेंगे तो 32,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। अब इनके प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डॉक्टर आत्मा बंधु गुप्ता, जो कि इसके फर्स्ट प्रमोटर थे, और जो इनकी फैमिली के भी प्रमोटर्स हैं, वहाँ से इस कंपनी जिसका नाम है मिस मेकर लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसने 2021 में यहाँ पर 54% का स्टेक ले लिया है, और कंपनी के मेन प्रमोटर्स यहाँ पर बन चुके हैं। और गुप्ता जी की बात की जाए और उनकी फैमिली की बात की जाए, तो यहाँ पर गुप्ता जी का कहना है कि अब वो एप्लीकेशन दे चुके हैं, 8% की जो स्टेक उनके पास बचे हुए हैं, अब वो मेन प्रमोटर ना होकर यहाँ पर एप्लीकेशन देने के बाद नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर बन चुके हैं, यानी कि पब्लिक में ये शेयर होल्डर गिने जाएंगे, यानी कि प्रमोटर्स में अगर देखेंगे तो वहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 8% अब कम हो चुकी होगी, क्योंकि ये अब पब्लिक के होल्डर कहलाएंगे, यानी कि पब्लिक में शेयर होल्डर कहलाएंगे, अब मेन प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स देखे जाए तो मार्केट कैप जो है कंपनी का 165 करोड़ का है, करंट प्राइस जो अभी चल रहा है 143 रुपीज़ पर चल रहा है, जिसमें देखेंगे तो 52 वीक का लो इसने अभी अभी क्रिएट किया है 130 रुपीज़ का, और यहाँ पर अब सर्किट लगना शुरू हुए हैं 5% के, और 143 पर ये आ चुका है। जो हाई था 255 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से गिरता हुआ ये लो क्रिएट कर और फिर से वापस उठना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी डेट देखें तो डेट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए 12.4 करोड़ का है, और
फ्री कैश फ्लो देखेंगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है कि इतना सारा कैश फ्लो है 13.2 करोड़ का, जिस वजह से इस कंपनी को जीरो डेट कंपनी ही कहा जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है अब 8%, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8% वहाँ से वो मेन प्रमोटर से हटकर पब्लिक में शामिल हो चुके हैं, पब्लिक शेयर होल्डर में, तो यहाँ पर 8% जो है शेयर होल्डिंग घटकर 54.2% की प्रमोटर्स होल्डिंग बची हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 25.8, जो कि ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बची हुई दिखा रहा है। फेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत दिया करती है। चार्ट्स में यहाँ पर अगर देखें हम मैक्सिमम कि कब से ये लिस्ट हुई थी, किस प्राइस से लिस्ट हुई थी, तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में कब से है, 2000 अप्रैल 2005 से, जहाँ पर इन्होंने लिस्टिंग की थी 11.50 से, जहाँ पर इस इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, जिस वजह से यहाँ पर कंसोलिडेशन बना हुआ था काफ़ी टाइम तक। और फिर देखेंगे तो यहाँ से रफ्तार पकड़नी शुरू हुई 2019 से, और इसने रफ्तार फिर ऐसी पकड़ी कि यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी हाई ये चला गया था, 237 तक का इसने हाई यहाँ पर दिखाया है, और यहाँ से फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली है, तो अब ये लो क्रिएट कर वापस ऊपर उठना शुरू कर दिया है। कंपनी के यहाँ पर प्रोस देखें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो ही चुकी है। CAGR देखें 5 ईयर का तो 63.72% का दिखा रहा है। यहाँ पर 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो 26.75%, काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर कम हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 8% डिक्रीज हो चुकी है। कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट्स की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट्स में आए हम मेन चीज़, सेल्स तो यहाँ पर बढ़ती हुई ही नज़र आई है, बट यहाँ पर प्रॉफिट्स की बात करें तो एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट्स थोड़े से गिरते हुए नज़र आए हैं। बट यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की जाए तो हमें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और सेल्स देखने होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स जो है वो 70 करोड़ से 74 करोड़ पर आ चुकी है, जो प्रॉफिट्स हैं वो भी यहाँ पर 11 करोड़ से 12 करोड़ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई है, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ी है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड पे आउट कितना हुआ है तो 9% ईयरली इन्होंने पे किया है, ये 9% होता है फेस वैल्यू से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग यहाँ पर 62.31% की बनी हुई थी, तो यहाँ पर अब जो है वो 8% कम होकर 54% पर आ चुकी है। FIS की होल्डिंग भी जो है जून 2021 की बात की जाए तो जीरो थी, कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं थी। FIS की शेयर होल्डिंग यहाँ पर अब 26.26% हो गई है, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर 8% बढ़ चुकी है, क्योंकि वो पब्लिक होल्डर बन चुके हैं, तो 45.49% की पब्लिक होल्डिंग हो चुकी है। तो कंपनी की ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप अपनी रिसर्च करने के बाद इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। रिस्क की बात की जाए कि रिस्क कितना रह सकता है इस कंपनी के अंदर, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ल्ड की वन एंड ओनली कंपनी है जो पायरिडीन केमिकल को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो यहाँ पर आपको खुद सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि रिस्क हमेशा शेयर मार्केट में रहता ही है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी एक्स्ट्रा मनी से करें, ताकि आप उसको इन्वेस्टमेंट कर भूल सकें और आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट हो, यही उम्मीद रहेगी हमारी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से लोग में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।